अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल ने शूट किया हेरा फेरी 3 का प्रोमो। कार्तिक आर्यन का कट गया है पत्ता। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से उन्होंने अभी तक फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं की थी, लेकिन प्रोमो शूट के लिए अब तीनों स्टार्स जुट चुके हैं। यूनिट से जुड़े एक सूत्र के हवाले से कहा गया कि तीनों स्टार्स फिल्म के अनाउंसमेंट का प्रोमो शूट कर रहे हैं। इस प्रोमो ने कम से कम ये साबित कर ही दिया है कि फिल्म में अक्षय कुमार की जगह किसी और कलाकार ने नहीं ली है, यानी कार्तिक आर्यन अब अक्षय कुमार को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। ये कंफर्मेशन तो हो गई। फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है और फिल्म की शूटिंग शुरू होने में अभी वक्त लग सकता है। प्रोमो उन फैंस के लिए शूट किया जा रहा है जिन्होंने फिल्म को बहुत पसंद किया है। मेकर ऐसे प्रोमो को रिलीज करते रहेंगे जिससे फैंस को यकीन रहे कि हेरा फेरी 3 के सभी लीड एक्टर्स एक साथ ही आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक राजू श्याम और बाबूराव की इस बेमिसाल तिकड़ी को फरहाद सामजी डायरेक्ट करेंगे। इससे पहले चर्चाएं थी कि फिल्म में अक्षय कुमार नहीं होंगे। फिल्म की क्रिएटिविटी के कुछ इशू की वजह से अक्षय ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया था। हालांकि फिरोज नड़ियादवाला ने उनसे बात करी और आखिरकार वो इसमें काम करने के लिए राजी हो गए। वहीं हेरा फेरी को लेकर अक्षय भी इमोशनल हो गए थे। उस दौरान उन्होंने कहा था कि वो अपने फैंस की फीलिंग्स को समझते हैं। इसके बाद फिरोज ने भी फिल्म के कुछ सीन्स को अक्षय कुमार की डिमांड के मुताबिक बदलाव करवा दिया। इसके बाद अब इसका प्रोमो शूट हुआ है तो सभी ने इसका वेलकम किया है। यानी प्रोमो शूट की तस्वीरें जो इंटरनेट पर आई हैं, उसे देखकर ही फैंस पागल हो चुके हैं। जब प्रोमो आएगा और जब फिल्म आएगी तब फैंस का रिएक्शन क्या होगा, ये वाकई देखने लायक होगा।